पंडित जी के नाम से जाने जाने वाले, साथ ही गो सेवा के पर्याय बने पंडित मनोज पारिक वैदिक के लिए डॉक्टर पंकज जी मूड ने कुछ इस तरह से कहा। पंडित जी, हमको तो सरकार वेतन देती है, निस्वार्थ भाव से गो सेवा तो आप जैसे लोग ही कर सकते हैं, आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। मसला कुछ इस तरह से रहा। एक नंदी महाराज सीकर में चांदपोल गेट बांडियाबाद सीकर, जिसके 3 दिनों से पाँव में जकड़न होने से उठने में दिक्कत हो रही थी, संपर्क किया पशु चिकित्सालय में श्री भवानी जी पारिक से। कुछ ही पलों में पहुंचे पंकज जी मूड अपनी टीम के साथ। नंदी महाराज को सुचारू रूप से उपचार किया, उसके बाद सीकर नंदीशाला में रेफर किया गया। नगर परिषद सीकर के लक्ष्मण सिंह जी के निर्देश पर स्वयं सेवक बंधु जेसीबी व गाड़ी की सहायता से नंदी को अवचेतन अवस्था का इंजेक्शन लगाकर नंदीशाला में पहुंचाया गया। पशुपालन विभाग नगर परिषद के स्वयं सेवक बंधुओं की सेवा के लिए सभापति जीवन खां फूल जी, जहांगीर रमाकांत जी तिवाड़ी, ज्योति तनवानी, डॉक्टर झाबरमल जी, बहुत बहुत आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद ये नेक कार्य किए जाने के लिए। जी हाँ सनातन प्रेमियों, पंडित मनोज पारिक वैदिक जहाँ कहीं भी गौ माता या कोई गोवंश दुखी दिखता है उसके लिए तत्पर रहते हैं और साथ में ले लेते हैं अपने साथियों को। पंडित मनोज पारिक वैदिक से हमें सदैव ही प्रेरणा मिलती रहती है और इनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम गौ सेवा करने में सक्षम होते हैं। गोवंश का रखे ध्यान, क्योंकि यह है सनातन की पहचान, यह है सनातन की पहचान। जय सनातन, जय गो माता, जय जय माता।